गाइस भाई पता नहीं यार क्या हुआ है कि एक जाम हो गई गाड़ी की और मुझे लग रहा है हो गया इसका काम। अब किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। तो गाइस धक्का लगा के ले आना पड़ रहा भाई गाड़ी को, क्योंकि पता नहीं यार इंजन में, मैं बोल रहा था ना आपको, कुछ प्रॉब्लम हो गई है गाड़ी के पिस्टन में। तो मुझे लग रहा था घर पहुंच नहीं पाएगी। तो गाइस भाई ले आए हैं गाड़ी भाई की दुकान पर। काफ़ी लंबा घूम के आना पड़ा वहाँ से, और गाड़ी की किक जाम हो चुकी है, पिस्टन में दिक्कत आ गई इसके। चलो इसका काम करवाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस भाई मुरादाबाद में हाथ हो गया था, लेकिन मैं फिर निकल भी गया था परसों, लेकिन क्या है मेरी थोड़ी गाड़ी ख़राब हो गई थी हाईवे पर, और मैकेनिक के पास मैं छोड़ के आ गया था। दो दिन का टाइम उन्होंने मांगा कि भाई दो दिन लगेंगे ठीक होने में, और आज फिर निकल रहा हूँ मैं घर को। रास्ते में से बाइक लूँगा पहले, उसके बाद निकलूँगा। तो चलो मिलते हैं फिर जब बाइक पर पहुँच जाता हूँ मैं, क्योंकि बाइक मैकेनिक के पास खड़ी है हाईवे पर। तो अभी मेरे को वहाँ पहुँचने में भी दो घंटे लगेंगे, और अभी टाइम हो रहा है साढ़े नौ का टाइम हो रहा है, और देखता हूँ कितनी देर में पहुँच जाता हूँ वहाँ पर, फिर मिलता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद। तो फाइनली गाइस भाई मुरादाबाद में 5 दिन मैं स्टे करके भाई अब निकल रहा हूँ घर पे, और देख सकते हो भाई वो डेली अपना 154 किलोमीटर दिखा रहा है मुरादाबाद से। तो बस निकल रहे हैं भाई, मगर अपना घर पड़ेगा भाई अपने को 170 किलोमीटर, डेली है खाली 154 किलोमीटर, लेकिन अपने घर तक पहुंचने के लिए हमें 20 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो 170 किलोमीटर टोटल यहाँ से मुझे कवर करना है, और मेरी गाड़ी में भी काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरी गाड़ी के थोड़ा सा इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे को कंपनी में ही कराना पड़ेगा।
बाकी चली जाएगी घर तक, दिल्ली तक तो चली जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत इंजन में दिक्कत आ गई है इसके, तो इंजन मेरे को बनवाना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर आगे। तो गाइस फाइनली हाईवे पे आ चुके हैं भाई, और गाड़ी में थोड़ा इंजन में पिस्टन थोड़ा सा अपना पिस्टन में कोई दिक्कत आ गई है, तो पिस्टन का काम कराना पड़ेगा हमें अपनी गाड़ी का। पिस्टन शायद टूट गया है या क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी थोड़ी अलग आवाज़ कर रही है अपनी। मैंने बात करी थी एक मैकेनिक से, वो कह रहा भाई 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा होगा नया पिस्टन डलेगा। तो फिर हमने कहा यार नोकल में नहीं कराएंगे, कंपनी में ही करवाएंगे इसे। बाकी अब मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ गाड़ी को दिल्ली अपनी। बाकी काफ़ी इंजॉय किया भाई दिल्ली से कासगंज, कासगंज से मुरादाबाद। तो आई होप आपको भी मज़ा आया होगा भाई वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई आजकल कोशिश करता है तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और यार काफ़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने के लिए, और बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें थोड़ा सा मोटिवेट करता है अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए। और अभी तुम्हारा भाई यहाँ निकला है, पहले भी आ चुका हूँ मैं, 250-300 किलोमीटर की राइड मैं कर चुका हूँ। मैं आपके लिए लॉन्ग राइड का भी प्लान बना रहा हूँ, दिल्ली टू कलकत्ता ज़रूर जाऊँगा मैं बाइक से, लेकिन उसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। और जितने भी भाई अपने कलकत्ता से हो चाहे दिल्ली से हो, जो भी अपना वीडियो देखते हो भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारा भाई कलकत्ता ज़रूर आएगा बाइक से। और मैं बाइक भी अपडेट करने की सोच रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सी बाइक मेरे को लेनी चाहिए, लेकिन बताना यार उतनी जो मेरे बजट के अंदर हो, ठीक है, 2-2.5 लाख रुपये के आसपास की कोई बाइक हो अच्छी सी, तो आपके आप ज़रूर बताना कि उसे ट्रैवलिंग के लिए कौन सी बाइक मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो मैं वही बाइक लूँगा। तो मिलता हूँ फिर मैं आगे, क्योंकि खुली रोड है, हाईवे है पूरा का पूरा, तो यहाँ मैं आपसे क्या, बस ये रोड के बारे में ही बता सकता हूँ और क्या। तो मिलता हूँ फिर आगे। ओ आ रहे हैं भाई, पूछ लेता हूँ क्या हो गया भाई। तेल खत्म हो गया, कुछ चीज है आ? कोई चीज है, बोतल वोटल है कुछ? नहीं, पेट्रोल पंप है। अच्छा है पास में? हाँ, पास में। चलो ठीक, तो मैं पैर लगा देता हूँ, पैर लगा देता हूँ गाड़ी में। एक सेकंड, गाइस हेल्प कर देनी चाहिए भाई किसी की, क्योंकि हाईवे है यार, और अपने को भी फ्यूल अप कराना है, तो हम भी फ्यूल अप करा लेंगे। पेट्रोल पंप पे, क्योंकि अपनी भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है भाई, हमें भी फ्यूल अप कराना है।
हम भी फ्यूल अप करा लेते हैं यार, क्योंकि अपनी भी गाड़ी में फ्यूल नहीं है। तो गाइस पेटीएम हो जाएगा ना, पेटीएम ठीक 500 का डाल दो। तो भाई कोई भी रास्ते में मिले भाई हेल्प कर देनी चाहिए, हैं नॉर्मल डाल दो। तो फ्यूल अप कराता हूँ यार, उसके बाद मिलता हूँ आपको भाई। कब आएगी वीडियो? भाई कल या परसों आएगी। हाँ वेट करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? एके बाइक राइडर। अभी स्टार्ट किया है? नहीं नहीं है, पुराना वीडियो नहीं डालता था, अब डालना स्टार्ट किया है। कैमरा ऑन है ना? हाँ हाँ ऑन है। हाँ हाँ पूरे 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 हो गया भाई। तो पेटीएम कर दो भाई, जरूर क्लिप कट पर कर देना यार। नहीं 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 भाई, जरूर डालूंगा, आपको जरूर लूंगा, अपने सब्सक्राइबर को नहीं छोड़ते भाई। तो भाई भाई ने अपना चैनल सब्सक्राइब किया है। सो गाइस भाई पेट्रोल डला लिया और एक भाई मिले थे, सब्सक्राइब कर रहे अपने चैनल उन्होंने, और भाई कह रहे कि भाई वीडियो में मुझे भी ले लेना। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर अपने सब्सक्राइबर ऐसे हमें मिल रहे हैं तो भाई क्या दिक्कत है यार, हम वीडियो डालेंगे भाई और भाई को भी लेंगे वीडियो में यार, ऐसी बात नहीं है। बाकी हम अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं छोड़ सकते भाई, जहाँ भी मिले हम अपने सब्सक्राइबर के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर हमें बुलाए तो यार हम कहीं भी पहुँच जाएंगे। बाकी यार लंबा रास्ता है भाई, अभी 11:05 हो रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग राइड पे जाना पड़ेगा भाई, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा दिल्ली अपने को मुरादाबाद से। और पहले भी हम दिल्ली से मुरादाबाद आए थे, इस बार थोड़ा लंबा घूम के जा रहे हैं, दिल्ली से पहले कासगंज, कासगंज से फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद से अब जा रहे हैं हम दिल्ली। तो काफ़ी लंबा रूट हो गया भाई इस बार का तुम्हारे भाई का। बाकी तुम्हारा भाई अब आगरा जाएगा, आगरा घूमने जाएंगे, वहाँ का बनाते हैं प्लान, थोड़ा सा देखते हैं अगर ग्रुप में और राइडर्स आ जाते हैं अपने तो फिर और राइडर्स के साथ में जाएंगे। और बाकी रास्ते में भाई कोई मिले आपको तो उसकी हेल्प कर दिया करो, अच्छा लगता है यार, थोड़ी सी खुशी मिलती है किसी की हेल्प करने से। चलो हमने भी फ्यूल अप करा लिया और उन भाई ने भी। तो गाइस मुरादाबाद से निकलने का पहला टोल प्लाजा आ चुका है अपना, पहला टोल प्लाजा आ चुका है, अभी दो टोल प्लाजा और पड़ेंगे तब अपनी दिल्ली में एंट्री होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा है रोड भाई, अभी तो दो टोल और पड़ेंगे। आगे तुम्हारा भाई आजकल मस्ती में है यार, फुल इंजॉयमेंट चल रहा है तुम्हारे भाई का आजकल, राइडिंग को भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहले क्या है यार राइडिंग कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अब लेके चल रहे हैं राइडिंग को साथ में। बाकी यार गाड़ी में जो थोड़ी सी दिक्कत हो गई ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ना मूड ख़राब सा हो रहा, मतलब कि यार कैसे हो गई मतलब ऐसे गाड़ी को प्रॉब्लम, पिस्टन में क्या दिक्कत आ गई मेरी गाड़ी के, देखेंगे चेक कर पाएंगे। दिल्ली रह गया भाई अपना 123 किलोमीटर, तो अभी भी काफ़ी लंबा रूट है यार। आज फिर से भाई तुम्हारे भाई के व्लॉग में आ गई गंगाई भैया, और वही वाला फ्लाईओवर है जो एक बार मैं यहाँ रुका था, यहाँ पे रुका था मैं, जहाँ पे एक बार ये वही वाला फ्लाईओवर है जो मैं मुरादाबाद से आ रहा था, गंगा मैया काफ़ी अच्छी जगह है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है देखने लायक, काफ़ी लोग गुजरते रहते हैं यहाँ से रुक के गंगा मैया को देख कर जाते हैं।
हाँ, अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए, काफ़ी मज़ेदार। वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, अपने दिल्ली से पास में ही पड़ता है। भाई दुकानें देख रहे हो कैसे लगी हुई है लाइन से यार, आई से पैसे छोटी छोटी से दुकानें बना रखी है। और ये बाउंड्री भी नहीं डली है यहाँ पे, ये पहले ये बाउंड्री थी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे छोटे छोटे वो रख रखे थे, लेकिन अब ये बाउंड्री खींच दी है। बढ़िया कर दिया, टू साइड रोड बना दिया है इसको, बढ़िया भाई गजब। तो गाइस GoPro की बैटरी भी डाउन हो चुकी है और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है भाई, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए भाई वीडियो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय। तो गाइस भाई पता नहीं यार क्या हुआ है कि एक जाम हो गई गाड़ी की, और मुझे लग रहा है हो गया इसका काम, अब किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। हाँ हाईवे पे फंस गया हूँ भाई, और मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, घर तक पहुँच नहीं पाएगी गाड़ी। अब देखते हैं यार कोई मैकेनिक होए तो दिखाना पड़ेगा, वहाँ टाइम लगेगा, अब चलते हैं, धक्का लगाना पड़ेगा भाई। तो मिलता हूँ भाई, कोई मैकेनिक मिल जाता है रास्ते में तो। तो गाड़ी धक्का लगा के ले आना पड़ रहा भाई गाड़ी को, क्योंकि पता नहीं यार इंजन में, मैं बोल रहा था ना आपको, कुछ प्रॉब्लम हो गई है गाड़ी के पिस्टन में, तो मुझे लग रहा था घर पहुंच नहीं पाएगी। घर भी अभी अपना 80 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से, और अब पता नहीं यार कितना टाइम लगने वाला, क्योंकि टाइम लगेगा, गाड़ी का इंजन में प्रॉब्लम आ गई है। अब पता नहीं यहाँ मैकेनिक भी कितनी दूर होगा, कितना चलना पड़ेगा, क्या करा जाए, काम तो कराना पड़ेगा यार गाड़ी का, बगैर काम कराए तो जा नहीं पाएंगे हम। पता नहीं यार अब कितनी दूर होगा, धोखा दे दिया भाई बाइक ने आज फर्स्ट टाइम। अब यार मैकेनिक देखो कहाँ मिलेगा, और क्या दिक्कत है गाड़ी में भाई, अब मोटा खर्चा आ गया भाई गाड़ी में। अब मैकेनिक भी यार कहाँ होगा हाईवे पे, यहाँ पे दूर ही होगा। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, इंजन ही बैठ गया भाई लग रहा मुझे। तो गाइस एक भाई मिले, वो कह रहे हैं कि मैं पैर लगा दूंगा, सो तो भाई एक भाई मिले हैं पैर लगा रहे हैं। इंजन बैठ गया, इंजन दुकान है, सामान है, इंजन मतलब किक जाम हो गई है इसकी, कर दोगे वहाँ पे है कुछ पे? हाँ मेरी दुकान है वहाँ पे ना, सारा सामान बनना पड़ा, इंजन कर लो। कहाँ पे? सारा सामान है यही दुकान है मेरी। अच्छा दिख ना रहा ना, दिख रहा नहीं है ना। भाई मैकेनिक भी मिल गया है, ओके भाई चलो। तो भाई भाई भी मिले थे हमें, भाई कह रहे कि नहीं नहीं कूदेगी नहीं, ओ नहीं कूद पाएगी भाई, वोकर नीचे है ना। तो भाई एक मैकेनिक मिल गया है,
कह रहा भाई मैं कर दूंगा, देखो यार घर तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। हाँ बाकी एक भाई भी मिल गए थे, वो कह रहे यार इस रोड पर कोई मैकेनिक नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। अब ये पता नहीं कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पता नहीं, देखते हैं। तो गाइस भाई ले आए हैं गाड़ी भाई की दुकान पर, काफ़ी लंबा घूम के आना पड़ा वहाँ से, और गाड़ी की किक जाम हो चुकी है, पिस्टन में दिक्कत आ गई इसके। चलो इसका काम करवाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस जा रहा था यार मुरादाबाद से दिल्ली, और हो गया गाड़ी का काम। मुझे लग ही रहा था रास्ते में धोखा देने वाली है, तो आज अपनी बसंती ने धोखा दे ही दिया रास्ते में, और इसका काम हो गया विकेट वाला। अब देखते हैं क्या दिक्कत आई है, मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। तो गाइस भाई गाड़ी वहाँ पे छोड़ दिया, जो पता गाड़ी का आपको पिस्टन टूट गया, काफ़ी शोर आ रहा होगा भाई क्योंकि हाईवे पे खड़ा हूँ मैं। और भाई मिले थे, भाई ये भी व्लॉगर है, इन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखा है अपना, लेकिन अभी तक मतलब वीडियो वगैरह नहीं डाले। बाकी भाई को हम अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे, और बाकी अगर कभी यहाँ पे दोबारा आएंगे तो भाई अपने साथ में ही राइड करेंगे, यहाँ से मिलते रहेंगे, अब आते जाते रहेंगे तो ज़रूर मिलते रहेंगे भाई से। भाई अपने चैनल का नाम भी बताओ। The UP 37 भाई का नाम है, थोड़ा लंबा चल रहा है, मेरे मुँह पे नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है भाई सब्सक्राइब करना क्योंकि भाई के भी और नए वीडियो आने वाले हैं। और बाकी मिलते हैं फिर जब घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हाईवे पे खड़ा हूँ, बस मिल नहीं रही, गाड़ी रिपेयरिंग पे डाल। A few moments later. तो फाइनली गाइस भाई मुरादाबाद में आ तो गया था, लेकिन मैं फिर निकल भी गया था परसों, लेकिन क्या है मेरी थोड़ी गाड़ी ख़राब हो गई थी हाईवे पर, और मैकेनिक के पास मैं छोड़ के आ गया था। 2 दिन का टाइम उन्होंने मांगा कि भाई 2 दिन लगेंगे ठीक होने में, और आज फिर निकल रहा हूँ मैं घर को। रास्ते में से बाइक लूँगा पहले, उसके बाद निकलूँगा। तो चलो मिलते हैं फिर जब बाइक पे पहुँच जाता हूँ मैं, क्योंकि बाइक मैकेनिक के पास खड़ी है हाईवे पे, तो अभी मेरे को वहाँ पहुँचने में भी 2 घंटे लगेंगे, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम हो रहा है, और देखता हूँ कितनी देर में पहुँच जाता हूँ वहाँ पर, फिर मिलता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद। A few moments later. तो गाइस भाई मुरादाबाद पहुँचा तो था, लेकिन भाई क्या बताऊँ मैं तुम्हें यार, जब मैं निकला वहाँ से दिल्ली के लिए तो हाईवे पे हो गई मेरी बाइक ख़राब, क्योंकि उसका पिस्टन टूट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें इंजन ऑयल था नहीं, और गाड़ी चला दी और पिस्टन टूट गया यार। अब गाड़ी वहीं छोड़ के आ गया, उनने 2 दिन का टाइम मांगा, वहाँ सामान नहीं मिल रहा था, और क्या करें भाई, फिर वापसी मेरे को मुरादाबाद आना पड़ा, और 2 दिन मेरे यहाँ वेस्ट हो गए। अब मैं वापसी जा रहा हूँ, बस देखो अब आज गाड़ी हो गई है, मिल जाएगी, फिर मिलते हैं जब गाड़ी के पास पहुँच जाता हूँ, अभी बस में। तो गाइस फाइनली भाई ढाबे पर रुकी है बस, टाइम लगेगा यहाँ पे, और 20 किलोमीटर रह गया करीब, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो कुछ खाने का मन तो कर नहीं रहा यार, देखते हैं। तो गाइस बाइक पहुँच चुके हैं बाइक के पास, और भाई ने बाइक रेडी कर दी अपनी, कम से कम बाइक कितने दिन पड़ी रही अपने पास में बाइक यहाँ पे, क्या था 4-5 दिन से भाई बाइक यहीं पड़ी है, और मैं दिल्ली जा नहीं पाया, वापसी में घर चला गया था, और 4-5 दिन में भाई ने कर दी मतलब गाड़ी बढ़िया एकदम ओके। और ये भाई की दुकान है भाई, काफ़ी अगर बाई चांस आप कभी यहाँ फंस जाओ तो काम करा लेना, बढ़िया काम करते हैं भाई। भाई एड्रेस क्या है यहाँ का बता देना। सिम्भावली शुगर मिल है भाई, और काफ़ी अच्छी दुकान है भाई की, और बाकी सारा काम हो जाता है यार गाड़ी का, और कराना हो तो यार कभी फंस जाओ यहाँ पे तो भाई का नंबर है, नंबर बता दो भाई अपना, अगर कोई आए तो करा लो। 97-87-88-83 अगर बाई चांस अगर भाई सिम्भावली में कहीं फंस जाओ तो भाई के नंबर पे कॉल कर लेना, और बाकी फिर मिलते हैं जब घर चलते हैं तो गाइड पर। चले भाई चल। तो गाइस भाई के यहाँ से निकलते हैं, और भाई काफ़ी भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी है भाई,
भाई एक कॉल पे भाई ने गाड़ी देख ली यहाँ पे, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं, मुरादाबाद में था। बाकी भाई ने काफ़ी हेल्प करी, बाकी भाई हैं और भाई ने गाड़ी का काम किया भाई। अब बस चलाने के बाद पता चलेगा कि कैसा काम किया है भाई ने। बाकी यूज़ करते हैं फिर बताएंगे आपको पूरा रिव्यू भाई का। और बाकी है अच्छे मैकेनिक भाई, ये बात है भाई। तो चलें, चलो ओके भाई। तो गाइस बाकी भाई कह रहे हैं कि भाई चलो थोड़ा सा भाई के साथ चलते हैं थोड़ा सा। बाकी भाई ने भाई बहुत ज़्यादा ही हेल्प करी मेरी यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ हाँ ठंडा गरम पी लिया तो भाई काफ़ी भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। मैंने भाई को कॉल किया, भाई ने यहाँ पे आके मेरी गाड़ी को देखा। और भाई यहाँ पे रहते हैं तो भाई जानते हैं, भाई भी राइडर है, भाई का भी यूट्यूब चैनल है। मिले भाई, ऐसे ही मिलते रहते हैं काफ़ी अपने भाई लोग, तो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। बाकी तो आपको तो पता है भाई, काफ़ी खर्चा हो गया गाड़ी में पूरा रिपेयरिंग करते हुए, सब कुछ कराने के बाद 5,000 के आसपास में गाड़ी का खर्चा बैठ गया अपना। चलो कोई नहीं, बैठ गया तो, लेकिन गाड़ी का काम हो गया। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि गाड़ी का काम होगा भी कि नहीं होगा। बाकी हो गया यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे पार्ट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर मिल गया तो चलो एक तसल्ली हो गई दिल को कि हाँ भाई काम तो हो जाएगा। लेकिन काफ़ी दूर मुझे वापसी मुरादाबाद घूम के जाना पड़ा था, क्योंकि मुरादाबाद में मेरी बहन का घर था और दिल्ली मेरे को यहाँ से दूर पड़ रहा था। तो मैंने सोचा भाई वापसी पीछे चले जाते हैं, तो फाइनली काम हो गया। तो फिर मिलता हूँ मैं जब आपको दिल्ली जाता हूँ वापसी। तो भाई रुके हैं भाई के साथ में, भाई थोड़ा ठंडा पीने के लिए, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि भाई जाते जाते चलो थोड़ा ठंडा पी ले। A few moments later. तो गाइस भाई निकल रहे हैं घर को, क्यों भाई काफ़ी अच्छा लगा भाई के साथ बात करके भाई, और भाई के साथ ठंडा भी पी लिया थोड़ा सा। बाकी अब निकल रहे हैं भाई घर को, दिल्ली अपना वापसी। क्योंकि भाई काफ़ी लेट हो गए हैं और हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पे पहुँचे हुए। बाकी बढ़िया भाई थे, भाई काफ़ी हेल्प करी है भाई ने मेरी यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे वैसे भी किसी को जानता नहीं था, और काफ़ी हेल्प कर दी भाई ने। गाड़ी भी मेरी देख ली कई बार आके अपना काम छोड़कर। बाकी अगर दोबारा मैं आऊँगा तो भाई भाई के साथ में नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा अपना, और हो सका तो अगर ग्रुप में राइड होएगी हमारी लॉन्ग राइड तो शायद भाई भी हमें ज्वाइन कर ले। तो अगर भाई से दोबारा मुलाकात होती है राइडिंग में तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगा मैं। तो निकल गए भाई दिल्ली के लिए। अब दिल्ली अपने को पड़ रहा है यहाँ से 91 किलोमीटर, और करीब 2 घंटे और लगेंगे हमें। और गाड़ी का अभी पिस्टन चेंज करवाया है तो भाई गाड़ी भगा नहीं सकते, तो 40, 50 या 60 तक की स्पीड में ही चलेंगे, ज़्यादा नहीं। क्योंकि भाई कह रहे थे कि अभी अभी नया है तो थोड़ा बहुत उसके रिमॉन्डिंग वगैरह होगी उसकी, तो टाइम लगेगा उसमें, कम 400-500 किलोमीटर चल जाए उसके बाद भगाना स्टार्ट करना। तो ठीक है, अभी नॉर्मल भगाते नहीं है, अभी नया है तो भाई थोड़ा सा ठीक ठाक नॉर्मली चलाएंगे गाड़ी को। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता। तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ और फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।